उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपना 16वां जन्मदिन मनाने बलिया आ रही पॉलिटेक्निक की नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसकी ब्रूटल हत्या कर दी गई। उसकी इस हत्या से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो पिता ने हत्या के लिए शासन और प्रशासन दोनों को जिम्मेवार ठहराया तथा 3 महीने के अंदर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की तथा योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा भी मांगा। बहन ने यहाँ तक कहा कि आरोपी को उसी वक्त चौराहे पर गोली मार दी जाए। कल्पना चावला से प्रेरणा लेकर अंतरिक्ष में जाने का सपना लिए अपने पैतृक गांव बलिया के भगवानपुर से लखनऊ पहुंची ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की छात्रा राय उर्फ निक्की है। पेशे से अधिवक्ता, पिता की माने तो वह 5 जुलाई को उसका 16वां जन्मदिन मनाने बलिया आ रही थी और घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकलने वाली थी। उसी वक्त उनकी अंतिम बात हुई थी। उसके बाद ना तो कोई फोन आया और ना वो आई तो केवल उसकी लाश की तस्वीरें। अपनी बेटी के जन्मदिन में तोहफे में पिता ने एक कूलर खरीद के रखा था और पेड़ से आम तोड़ के रखे थे कि बेटी आएगी तो खाएगी। 92% बोर्ड परीक्षा पाकर तेज तर्रार छात्रा पॉलिटेक्निक कर बीटेक करने के बाद इसरो अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। पीड़ित पिता अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार शासन और प्रशासन को ठहरा रहे हैं, तो योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग भी की और कहा कि इस घटना से उनकी दूसरी बेटी भी लखनऊ में दूसरी साल पॉलिटेक्निक कर रही है और पूरी तरीके से डरी और सहमी है और पढ़ने के लिए लखनऊ नहीं जाने का फैसला किया है। जब राजधानी लखनऊ और लखनऊ के पौश इलाके इंदिरा नगर में सुरक्षित नहीं है तो पूरा प्रदेश असुरक्षित है। अपनी बहन की मौत पर आंसू बहा रही यह लड़की की बहन ने कहा कि आरोपियों को बीच चौराहे पे गोली मार दें। का धरना प्रदर्शन होगा, कैंडल मार्च, 4 दिन सब कुछ होगा, प्रशासन 4 दिन खूब दिखाएगी, 4 दिन बाद फिर किसी लड़की के साथ होगा, फिर प्रशासन कई भाड़ में, सारी सुरक्षा गई भाड़ में, फिर किसी लड़की के साथ होगा, फिर मातम मनेगा, फिर 4 दिन वही होगा, फिर क्या होगा देश का। मेरी बहन थी, मैं उसको जीते जी देख लेती ना। हाँ क्यों, कौन सी पुलिस थी वो, क्या करी थी, उसकी बहन बेटी नहीं थी ना, उसकी बहन बेटी होती तो वो था। बीस साल की सजा हो रही है, क्यों 20 साल की, मेरी निर्दोष बहन की जान गई है, उसको गोली मार के उसी वक्त मार देना चाहिए। 2:30 बजे के आसपास जो है इंस्पेक्टर साहब का फोन हमारे यहाँ आया कि उस व्हाट्सएप पर मैंने जो है एक लड़की की लाश मिली हुई है, मैंने भेजा है, आप देख लीजिए। मैंने अपनी बड़ी लड़की से कहा कि देखो तुम्हारे पर आया है कोई फोटो, निकी का नहीं ना है, तो देखी तो उसे दहाड़ मारकर सब लोग रोने लगे कि वही है। तो मैंने कहा सुजीत कुमार जी से कि वही लड़की है। ट्रेन पकड़ के उसका जन्मदिन कब था, क्या 5 जुलाई को उसका जन्म, 5 जुलाई को उसका जन्म था। हम तो यहीं सोचे थे कि आ रही है तो यहीं पर जन्मदिन मनाएंगे। आप आम का पेड़ देख ही रहे ये ऊपर, इसमें से 10 20 आम फड़ा हुआ है, उसके लिए तोड़ करके रखे थे कि वो आएगी पकेगा तो खाएगी। अभी 2-4-5 रोज पहले हमने जो है कूलर खरीदा था, वो कहे कि पापा जी कूलर एक ले लीजिए, कूलर खरीदा, उसके बाद व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत खुश हुई कि मैं आ रही हूँ, वो हवा भी नहीं ले पाई। कि अब वो कह रही थी कि मैं वहीं पॉलिटेक्निक करके और बीटेक करके वहीं इसरो में जाऊँ, मैंने अंतरिक्ष में जाने की उसकी इच्छा थी कि मैं भी जो उसी के साथ अंतरिक्ष में जाऊँगी।